वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 की तरह इस साल भी अक्षय कुमार और अजय देवगन का बोलबाला है। इस साल दोनों स्टार्स की कई फिल्में रिलीज होंगी। अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों सुपरस्टार जो हमेशा अच्छी कॉन्सेप्ट वाली फिल्में लाते हैं, जहां अक्षय हमेशा सोशल मैसेज देने वाली ही फिल्में लाते हैं और अजय देवगन ही रियल कंटेंट पर फिल्म बनी होती है और दोनों के फैंस भी उनके लिए काफी सपोर्ट करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब जब से रिलीज हुआ है तब से इंडस्ट्री में मौजूद अन्य स्टार्स उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ को यह फिल्म पसंद आई और कुछ लोगों को यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं अब अजय देवगन ने भी इस फिल्म को बेहद दिलचस्प बताया और दिल खोलकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अजय देवगन ने बताया कि अक्षय ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत के कारण ही ये फिल्म इतनी अच्छी बन पाई है। हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह फिल्म कंचना को भी टक्कर दे रही है। कुछ ही दिन पहले अजय ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए ये बताया था कि उन्हें फिल्म लक्ष्मी का ट्रेलर कितना पसंद आया है और अब वह फिल्म देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। अजय ने ट्वीट किया है, मैंने लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर को कई बार देखा है, कहना होगा यह वास्तव में मनोरंजक है। अक्की ने विभिन्न अवतारों को निभाया है, 9 नवंबर का इंतजार है। इसके बाद अक्षय ने अजय को धन्यवाद दिया था। आपको बता दें कि भारत में अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी 9 नवंबर को OTT पर रिलीज हुई थी। फिल्म की क्रिटिक्स और जनता का मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। हालांकि फिल्म लक्ष्मी ने व्यूवरशिप के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म को OTT पर सबसे ज्यादा बार देखा गया है। इस फिल्म को देश में तो प्यार मिला ही, साथ ही विदेशों में भी इसकी अच्छी कमाई हो रही है। थैंक यू सो मच। Keep watching for more entertainment news and update.